इसलिए मैंने सिगरेट छोड़ दी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राम। चुप है, ये भगवान की प्रार्थना करते करते बीच में शैतान कहां से आ गया? शैतान नहीं, तूफान। सॉरी, तुम्हारे जैसे शैतान स्टूडेंट की जिंदगी का गुलिस्तान उजाड़ सकता है। सॉरी, पहले जिंदा प्रोफेसर को मार दिया, उसके बाद सॉरी बोलते हो? क्या सॉरी करने से मरा प्रोफेसर जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तब मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट करता हूँ अभी। सर मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इंडियन फिल्म के पोस्टर की तरह मेरे पैरों से चिमटने की कोशिश मत कर। मैंने कहा ना तुझे माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द कॉलेज। किसने मारा? मैंने। कौन है भाई? तेरे अंदर का आदमी। अंदर का आदमी कौन है? पहचाना मुझे? तुम यहां से निकल गए? हाँ, मैं तेरे अंदर का आदमी हूं। मेरे अंदर के आदमी हो? तो तुम बाहर क्या कर रहे हो? बाहर की दुनिया बहुत आतंक फैला है, गोलियां चलती हैं। कहीं तुमको गोली लगी तो फिर मेरा क्या होगा? आ जाओ अंदर, आ जाओ। आतंक तो तेरे अंदर भी भरा हुआ है। मेरे अंदर? हाँ, प्रिंसिपल की कुर्सी क्या मिल गई? अपने आप को भगवान समझ लिया है, इसीलिए उठते बैठते दाएं बाएं जब चार लड़कों को डिसमिस कर देता है। क्यों? नहीं, वो शरारत कर रहा था तो इसलिए मैंने उसको डिसमिस कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि डिसमिस करने के बाद इसका क्या अंजाम होगा, इसके माँ बाप का क्या आशय होगा? वो गरीब लोग कहां से पैसे इकट्ठा करके लाए उसको पढ़ाने के लिए? तू प्रिंसिपल है, माथे पे प्रिंसिपल का लेबल लगा रखा है, मगर रत्ती भर की अकल नहीं तुझमें। कहां तक पढ़ाई की है तूने? जी मैंने एमए पीएचडी किया है। झट मारी है तुमने, पीएचडी नहीं किया है। नालायक, इतना भी नहीं जानते कि प्यार सबसे बड़ी चीज है? प्यार में जो बात है वो तलवार की वार में नहीं है। बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलता इस दुनिया में। और फिर स्कूल में कॉलेज में कौन शरारत नहीं करता है? तुझको अपने कॉलेज का जमाना याद है? इस जबान के अंदर लाख पेजेस का वॉल्यूम छुपा हुआ है तेरे कार्य करतूत का। अगर खोलूंगा ना, खोलूं? अभी खोलूंगा तो खड़े खड़े नंगा हो जाएगा तू। अरे नंगा? ये उम्र है नंगा करने की? घर में कर लेना भाई, यहां करने की क्या जरूरत है? नहीं, अब अगर नंगा नहीं होना तो एक काम कर, मेरे सामने से माफी मांग, वरना मैं तुझे डिसमिस करके चला जाऊंगा। मांगता हूं, तुम पहले अंदर तो आ जाओ। आ इधर। सर मैं कब से आपके पांव पकड़े बैठा हूँ, आप किससे बातें कर रहे थे? वो मैं अपने अपने आप से। अपने आप से? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। नहीं नहीं माय डियर गोपी, अब तुम मुझे माफ कर दो। क्या कह रहे हैं सर? मैं सच कह रहा हूँ बेटा गोपी, तुम मुझे माफ कर दे। ज्यादा करीब मत, अंदर कहाँ जा रहा, पहले से है एक आदमी। तो क्या बेटा, मैं मानता हूँ कि जिंदगी जो है वंसी मजाक के फूलों को लेकर गुजारना चाहिए, वरना जिंदगी का रास्ता दुख के कांटों से भर जाएगा। और कभी ऐसा कोई मजाक नहीं करना जैसे किसी की भावनाओं को दुख पहुंचे, किसी का दिल टूटे, है ना? जाओ क्लास में जाओ, जाओ बेटा। सुनो, ये कभी नहीं करना, मुझे दिखता है। जाओ। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं असली प्रिंसिपल बोल रहा हूं। अभी कुछ देर पहले मेरी आवाज में प्रोफेसर दुखी राम की मौत का ऐलान किया गया था। वो कॉलेज के मशहूर जोकर गोपी ने किया था, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रोफेसर दुखी राम अभी तक जिंदा हैं और वो क्लास में आ रहे हैं, इसलिए आप अपने अपने क्लास में बैठे रहिए, घर जाने की कोशिश मत कीजिए। प्रोफेसर मैडम, आज आप कौन से सब्जेक्ट पर लेक्चर देकर हम सबको बोर करने वाली है? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगी, मैं तो तुम लोगों के दिमाग का इम्तिहान लूंगी। ये देखिए, अपनी पलकों में शबनम की बूंद सजाए ये फूल और इसके आसपास गुनगुनाता हुआ ये भौंरा एक हसीन कहानी है। क्या आप बता सकते हैं वो कहानी क्या है? हाँ हाँ, मैं बता सकता हूँ। अच्छा बताओ। फूल भंवरे से कह रहा है, हाँ
कली कली क्यों फिरता है तू क्यों बनके बंजारा आ मेरी पलकों में आ मेरे आशिक आओ। मैडम ये भोरा फूल से कह रहा है तू क्यों है नाराज मुझसे ऐ जानम शराब मैंने पी नहीं है चुरा के तेरे लबों से रस को नशे में मैं यूं गुनगुना रहा। Flower, flower, why are you crying, crying? अरे चांदी फूल तुम क्यों रोते हो सुखी परिवार के लिए हमारे पास है निरोध। वेरी बैड थॉट। अरे गुल तेरी आंखों में दर्द का ये सागर क्यों क्या भौरा भी तुझसे मांग रहा है दहेज? Fantastic! Dear student, next question जो मैं पूछने जा रही हूँ वो बड़ा ही romantic question है। अगर आप में से किसी की महबूबा पहली बार आपकी गाल पे किस करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? मैं तो excitement में मर ही जाऊंगा। Anybody else? Yes, madam. Yes, go ahead. Madam. पल भर के लिए आप मेरी महबूबा बन जाइए और मेरे गाल पर एक किस कर दीजिए फिर मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि मैंने कैसा महसूस किया। एनी प्रॉब्लम मैडम? नो प्रॉब्लम मिस्टर विजय कम हियर आई विल किस यू। कम ऑन विजय कम हियर प्लीज कम। लकी फेला यार कितनी मरता का? नो सर सर कॉलेज में यहाँ नहीं यहाँ अपुन लोग दोस्त हैं। कौन है अपुन लोग? दोस्त। ये पत्ते किसने बांटे हैं? मैंने बांटे हैं। तेरे बाप का राज है। मेरे पत्ते कहाँ हैं? आप तो भजिया बना रहे थे सर। तो तू मुझे उल्लू बना रहा था? मुझे बावर्ची समझा है? चल फिर से बांट। अच्छा। चल अच्छा एक काम करो पहले भजिया खा लो चलो चलो। अरे अच्छा मुझे अरे वो कमाने मैं इतनी मेहनत अंकल आपने तो कुछ लिया ही नहीं। क्या लेता तेरा सर कुछ छोड़ा तुम लोगों ने? लीजिए ना। नहीं कीप द चेंज। अच्छा वो भी खा लिया बड़ा बेशरम है। अरे तुम लोगों ने भजिया खाया रिश्वत खाई है बदहजमी हो जाएगी तुम लोगों को। बदहजमी पे अर्ज किया है कि नहीं है फिक्र हमें बदहजमी होने की। भजिए थे टेस्टी कैसे छोड़ते हम। ये मिर्जा गालिब की 420वीं औलाद। अभी आपके लिए शेर अर्ज किया करूं? जी हाँ इरशाद। अर्ज किया है कि भगवान ने किसी को पॉलिटिक्स का माहिर बना दिया जिसे दिल नहीं दिया उसे कायर बना दिया लगी आग जिसमें उसको फायर बना दिया क्या बात और जो किसी काम का नहीं था उसको शायर बना दिया। क्या करता है? सॉरी अंकल आप प्रिंसिपलशिप छोड़कर भजिया क्यों नहीं बेचते? भजिया? बेटा तेरे जैसे दो चार स्टूडेंट मुझे और मिल जाए ना तो मुझे आखिर में भजिए बेचने पड़ेंगे। नहीं नहीं अंकल मेरे कहने का मतलब था आप भजिए की दुकान लगा लें छह महीने में लाखों पति बन जाएंगे। ए इडियट शर्म नहीं आती अंकल को भजिया बेचने का आइडिया देता है? इतना इंटेलिजेंट एमए पीएचडी आदमी भजिया बेचेगा? अरे अंकल चाहे तो बड़ा लीडर बन के दिखा सकते हैं क्या अंकल? अरे नहीं भाई मुझे भजिया बेचना मंजूर है सड़क पे झाड़ू मारना मंजूर है मगर लीडर बनना मंजूर नहीं है भाई। क्यों अंकल? अरे बेटा ये राजनीति सियासत पॉलिटिक्स ये अपनी दुनिया से बहुत बाहर की चीज है। वो कहते हैं ना जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है वैसे ही शरीफ लोगों को सियासत हजम नहीं होती है। अच्छा अभी सियासत फिलहाल भेजो और पत्ते बांट मेरे बराबर बांटना। चलो बांट। सर। अरे नो सर यार अंकल बोला। ओ सॉरी 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 अंकल बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। पूछो। अरे पूछने के लिए पूछने की क्या जरूरत है बिना पूछे पूछ। अंकल इतने बड़े घर में आप अकेले ही रहते हैं मेरा मतलब है कोई फैमिली वगैरह कोई नहीं है? हाँ
क्या बात है अंकल? अंकल मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया? विजय, बीते हुए कल के अंधकार में झांकने से क्या फायदा है? गमों और दुखों के सिवा मां कुछ नजर नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कॉलेज को अपनी दुनिया बना लिया है, अपने विद्यार्थियों को अपने रिश्तेदार बना लिया है। मेरी फैमिली तुम लोग हो, तुम लोग मेरी फैमिली हो। I'm sorry. I'm sorry. ये इश्क नहीं आसान, समझाए अब कौन उसे जाके, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना। यार बंद करना। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रेम रोग का मारा विजय दिल पर महबूबा की याद का सदमा उठाए बैजू बाबरा बन चुका है। तू गंगा की मौज में जमना। पूरा गाएगा? आप कहते हैं तो पूरा गाता हूं। अब क्या करेंगे अंकल? What shall we do now, sir? एक काम करो, जरा उधर देखना तो। उधर क्या है? अरे उधर देखो भाई। सुनिए अंदर वाले महाराज, गलतियों पे तो झापड़ मारने के लिए बाहर आ जाते हो, अब जरा इस समस्या का हल बताना तो। अरे फिर क्यों मारा यार? अरे बेवकूफ प्रिंसिपल, आखिर मुझे को बतानी पड़ेगी, खुद सोचो फैसला करना। अच्छा, ये नहीं ऐसे मौका आप भी साथ नहीं देंगे? नो प्रॉब्लम, खुद ही करते हैं। अरे मैंने उधर देखने को कहा था ना, घूमे क्यों तुम लोग? सर हम ये देख रहे थे, आप अपने आप से बात कर रहे थे ना? नहीं तो अपने आप से बात? अपने आप से। छोड़ो यार, थोड़ी समस्या गंभीर है, कोई हेल्प वेल्प तो करेगा नहीं ऐसे मौकों पर। एक काम करते हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही कोई हल निकालते हैं। गोपी। हाँ जी। अरे क्या करता है, भागने क्या? ओ सॉरी अंकल, खुशी के मारे मेरे होश ठिकाने नहीं रहे। तो क्या मेरा ठिकाना गायब कर रहेगा उल्लू का पट्टा? भागे ना। लस्सी दे। लस्सी खारी या मीठी? नाश्ता नहीं किया क्या? लस्सी नहीं रस्सी, वो क्या सामने पड़ी हुई है? ओ रस्सी, ये लीजिए। विजय ये कपड़े ले और जल्दी से तैयार हो जाओ, चल 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 जल्दी कर। अंकल आप मेरे लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, आपके इन एहसानों का बदला कैसे चुका सकूंगा मैं? तू मुझको ही डायलॉग सुनाने लगा है? एहसान बाहर की दुनिया में होता, बाप बेटे के बीच में एहसान नाम की कोई चीज नहीं होती है। तुम्हारे से बात करना नहीं। हाँ वैसे तुम लोग अगर मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहते हो तो एक काम करो, मेरे लिए भी कोई ढूंढ लो, मैं फेरे लगा लेता हूँ। अंकल अभी याद आया, आप उनके घर के पास एक गंगूबाई रहती है जिसकी उम्र सिर्फ 60 साल की। अच्छा। आप चाहे तो लगे हाथों फेरे ले लीजिए ना। मैं तुम्हारे प्यार के बीच में नहीं आना चाहता, तुम उसे शादी कर लो। अंदाज अपना आईने में देखते है वो, और ये भी कहते हैं कि कोई देखता ना हो। ले बेटी ले, ये फूल लगा। नहीं अंकल मैंने लगाए हुए हैं फूल। अरे इतने फूल से क्या होता है, ला मैं लगाता हूँ। क्या फूलेंगे? ओहो अंकल आप यहाँ क्यों आ गए, आप तो दूल्हा का पिता है। तो क्या दुल्हन का पिता है, जिसका कन्यादान तू करेगा? मेरा कहने का मतलब था। चुप। जिस तरह विजय मेरा बेटा है उसी तरह प्रिया मेरी बेटी है, क्यों बेटी? अंकल वाह, दोनों तरफ मलाई आप खाना चाहते हैं। अरे शहनाई जरा जोर से बजा भाई। अंकल आपके लिए सूट। मैं सूट क्या करूँ, मैं क्या दूल्हा बने वाला हूँ? अरे कमाल करते हैं अंकल, आप लड़की के पिता होकर कन्यादान इन कपड़ों में करेंगे? ये सूट पहनिए नया वाला। अंकल अंकल आप ये सूट नहीं पहनेंगे, आप हमारा सूट और पगड़ी पहनेंगे, आप दूल्हे के पिता होकर इन कुर्ते पजामे जाएंगे। यस यस अंकल, यू मस्ट वेयर दिस सूट। अरे यही पहनेंगे। शादी वाले दिन कभी की तरह कहाँ करते हो? मगर अंकल हम इतने प्यार से लाए हैं, पहनो ना। देखिए अंकल हम भी तो मोहब्बत से लाए हैं, पहनो ना। एक काम कर, प्यार से ये ले लेता हूँ, मोहब्बत से ये ले लेता हूँ। मगर अंकल प्यार का तोहफा ऊपर आना चाहिए। मतलब मैं ये पैंट ऊपर पहनूं, कोट नीचे पहनूं, उसके बाद सर्कस में जाके जोकर का काम करूं? अरे
करो। ये अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है? मेरी आंख मेरा मुंह क्यों नहीं? ये है शादी है। सॉरी अंकल, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये थोड़ी सी मिस्टेक है? देखा, ये सब तेरी वजह से हुआ। ऐसी पगड़ी बांधनी चाहिए थी ना।